हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है। दोस्तों तो आज का वीडियो हमारा होगा दोस्तों स्विच को चेंज करना। यही स्विच है दोस्तों, और इस स्विच का जो पॉइंट है दोस्तों ये हमारा बल्ब है, देखो नहीं जल रहा है क्योंकि स्विच ख़राब है। तो इसी स्विच को हम आज चेंज करेंगे, इसी का वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं कि भाई हमारे घर में कुछ स्विच ख़राब हो जाए तो कैसे चेंज करना है। तो इसी का वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं दोस्तों। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और आराम से देखना है ताकि आपको भी मालूम चल सके कि भाई स्विच कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को अभी शुरू करते हैं दोस्तों। अभी हम इसको खोलेंगे, ये देखिए हमारे इसके जो ऊपर की प्लेट हम खोल रहे हैं करके दोस्तों। तो दोस्तों प्लेट हमारी खुल गई है दोस्तों, ये देखिए प्लेट हमारी खुल गई है। अभी ऊपर की जो प्लेट आती है, डमी प्लेट आती है, वो खुल गई है। अभी हम इसके अंदर जो स्क्रू है उसको खोलेंगे, फिर जो स्विच हमारा ख़राब है उसी स्विच को हम चेंज करेंगे दोस्तों। आपको बताएंगे पूरा आराम से कि वायरिंग भी वापस कैसे करना है करके। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों क्या चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमारे घर में कभी इलेक्शन भी नहीं आते, प्लम्बर लोग कभी आने में देरी भी होती है और कभी नहीं भी आ सकते हैं, तो हम वीडियो के माध्यम से वीडियो को देखकर भी हम रेडी कर सकते हैं दोस्तों। तो बोर्ड हमारा खुल चुका है दोस्तों, देखिए हम पीछे देखिए कितने वायर आते हैं, कौन से वायर कहाँ जाते हैं, देखिए आपको सब बताएंगे करके। ये हमारा स्विच है, इसी को हम चेंज करने वाले दोस्तों। हमारे स्विच में दो वायर आते हैं दोस्तों, एक तो अपना जो मेन फेस आता है वो आता है दोस्तों, और एक जो वायर आता है जो तो जिसको हम कनेक्शन दे रहे हैं दोस्तों कि भले बल्ब का कनेक्शन हो या सॉकेट का कनेक्शन हो या ट्यूबलाइट का हो या हमारा फ़ैन का हो, एक वायर वहाँ जाता है और एक वायर जो आता है अपना जो मेन लाइन का वायर है वो आता है इसके अंदर। तो हम दोनों वायर को इससे स्विच से हटाएंगे, जो स्विच हमको चेंज करना है उसी बटन से हम दोनों वायर को हटा देंगे पहले। तो हमने हटा दिया है देखिए, अभी स्विच को हम बाहर निकाल देंगे दोस्तों। और एक बात आपको ध्यान रखना दोस्तों, आप इलेक्ट्रिशियन हो तो आप इसको चालू लाइन में भी काम कर सकते हो, और आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो तो अपना पीछे जो मेन डीपी है उसको बंद करके रखें, एमसीबी हो या डीपी हो, ताकि खतरा ना हो सके। तो दोस्तों बटन हमने निकाल दिया दोस्तों, और हम जो अभी बटन चेंज करेंगे दोस्तों, बटन वही कंपनी का वापस डालना है दोस्तों, जिस कंपनी का अपना हमारे घर में लगा हुआ है, उस बोर्ड में जो लगा हुआ है उसी कंपनी का स्विच लाकर डालना है। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है दोस्तों, दूसरी कंपनी का स्विच जो रहता है जो हमारे इस प्लेट में वो फिट नहीं होता बरोबर, तो सेम कंपनी रहता क्या फिट हो जाता है। तो हमने स्विच अभी उस प्लेट में फ्रेश कर दिया है, लगा लिया है। तभी जो जैसी वायरिंग थी उसकी जो एक पॉइंट जो नीचे सेम है, फेस का फेस वापस डालना है, कुछ नहीं करना आपको, और जो ऊपर का जो अपना पॉइंट का जो भी वायर है उसके अंदर वापस डाल देना, बस जैसा था वैसे ही डालना करके। और जब मालूम नहीं पड़े आपको तो एक फ़ोटो खींच कर रख सकते हैं आप, ये फ़ोटो को देख कर उसके माध्यम से आप डाल सकते हैं। तो हमने देखो स्विच डाल दिया है, अभी हमारा जो मेन जो बल्ब का जो बल्ब था वो नहीं जल रहा था, उसी का ये वायर हम उसके अंदर वापस डाल रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। तो हमारे पूरा रेडी हो चुका है, हमने स्विच चेंज कर लिया है वापस, हम थोड़ा दूसरा भी देख रहे हैं करके, जो टाइट वगैरह नहीं है उसको टाइट कर रहे हैं ऐसा करके। इसको भी निकाल रहे हैं, उसको भी टेस्ट कर रहे हैं। इसको दोस्तों हमने क्या करा है दोस्तों कि यहाँ पर है हमारे जो जिनका घर है वो लोग बोल रहे थे भाई इंडिकेटर नहीं है तो एक इंडिकेटर लगा दीजिए, तो हमने वहाँ पर इंडिकेटर जॉइंट करे, इंडिकेटर लगा रहे करके, तो इंडिकेटर हमने जॉइंट कर दिया आपके सामने। इंडिकेटर का वायर का ध्यान रखिए दोस्तों, एक वायर मेन लाइन में देना है और एक वायर न्यूट्रल में देना है दोस्तों। तो जब लाइट आएगी तो इंडिकेटर जलेगा करके डायरेक्ट, कि अभी लाइट आ चुकी है हमारे बोर्ड में, तब तक वो इंडिकेटर जलता रहेगा करके। तो हमने मेन लाइन का वायर दे दिया, अभी इसको हम न्यूट्रल में देंगे। तो अभी हम इसको न्यूट्रल में दे रहे हैं करके, तो वायर को दोनों वायर को जॉइंट करें जो उसमें न्यूट्रल में जो लगा हुआ था और हमारा इंडिकेटर का वायर, और अभी हम उसे सॉकेट में डाल रहे हैं। तो हमने टाइट कर रहे हैं अपने टेस्टर के माध्यम से, तो टाइट हो गया है दोस्तों, पूरा रेडी हो गया है।
तो अभी हम इसको वापस इसको बोर्ड के अंदर वापस उस बॉक्स के ऊपर हम लगा देंगे, जो मेटल का बॉक्स लगा हुआ उसके अंदर दीवार के अंदर कंसील की फिटिंग है। तो दोस्त आप सभी से यही गुजारिश रहेगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों और थोड़ा शेयर करो। जो न्यू इलेक्ट्रिशियन है, आपके कोई दोस्त है, फ्रेंड है, तो हमने स्क्रू टाइट कर देंगे दोस्तों। टाइट करने के बाद में जो इसके ऊपर जो डमी प्लेट थी कंपनी की, वो वापस लगा देंगे तो हमारा वीडियो रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। देखिए हमने लगा लिया दोस्तों, ये हमारे इसके ऊपर जो प्लेट थी वो वापस लगा रहे करके। वो भी लगा लिया, रेडी हो चुकी है, एकदम फ्रेश हो चुका है। हमारे अभी हमारे दोस्तों हमारे बोर्ड के अंदर इंडिकेटर भी चेंज होगा, देखो लाइट आ गई दोस्तों। और हमारा स्विच भी था, स्विच भी हमने चेंज कर लिया दोस्तों, और वो हमारा बल्ब जल रहा है, देखिए ऊपर हो रहा। तो ऐसे दोस्तों स्विच और इंडिकेटर भी आप चेंज कर सकते हैं घर पर, किसी को इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और कभी कभी क्या रहता है, हम गांव में रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन वगैरह की कोई सिटी में रहते, दूर होता तो आने में भी प्रॉब्लम होता है, और छोटा मोटा आइटम के लिए हम बुलाते भी नहीं, बुलाते तो भी खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो आप घर पर भी कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, इसलिए बोलता आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। आप सभी को